ज्यादातर प्लांट्स में एक से दो दिन तीन दिन का स्टॉक बचा है। क्या इसका कारण कोयले के दाम बढ़ा के अपने सूट बूट के दोस्तों को फायदा देना है? पूरी कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार के साथ मिलके, हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह की आपात स्थिति पैदा हो देश के, पूरे देश के अंदर इस टाइम स्थिति काफी नाजुक है। कई सारे मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को लिख चुके हैं इस बारे में। कोयले का जो स्टॉक है किसी भी पावर प्लांट में कम से कम किसी भी हालात में 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए, वैसे तो 20 से 30 दिन का स्टॉक होना चाहिए। ज्यादातर प्लांट्स में एक से दो दिन तीन दिन का स्टॉक बचा है। और NTPC जो देश में सबसे ज़्यादा बिजली बनाती है केंद्र सरकार के उपक्रम में है, आज उसने ज़्यादातर प्लांट सारे ही प्लांट 55% पे कर दिए कैपेसिटी, जितना उनकी टोटल कैपेसिटी है उसका 55% पे 50% पे वो चला रहे हैं। और 55% या 50% के हिसाब से होता है 4 दिन का हो, अगर फुल कैपेसिटी चलाएंगे तो वो 2 दिन का रह जाएगा, अगर फुल पे चलाएंगे जो 1 दिन का कोयला है तो आधे दिन का रह जाएगा। तो कोयले की बहुत बड़ी इस टाइम थर्मल पावर प्लांट्स में दिक्कत है। ये फैक्ट है कि जितना यहाँ का रिक्वायरमेंट है और जो पहले आपूर्ति होती थी उस हिसाब से या तो जो NTPC से मिलता था या फिर अनेक प्राइवेट कंपनियों से लेते थे, तो इन सब लोगों से जितनी आपूर्ति का प्रावधान था वो आपूर्ति नहीं हो पा रही थी, इसके चलते समस्या आई। तो अभी इन लोगों ने बाकी अन्य जगहों पर जहाँ से बिजली ज़्यादा दाम में उपलब्ध हो रही है वहाँ से खरीद करके अब करीब करीब जो आवश्यकता है उसके मुताबिक करने की स्थिति में जा रहे हैं। तो अब स्थिति को तो ठीक करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए कि है ही सप्लाई कम हो गया है, तो सप्लाई कम होने के कारण यानी वहाँ पर जो भी होगा उसको उसका प्रोडक्शन कम होगा। सप्लाई कम होने का मतलब है कि जितना वहाँ होता है उसमें कमी आई है, तो उसके चलते ये हुआ है। लेकिन हमारे ये विभाग जो है पूरे तौर पर लगा हुआ है और उसमें ऐसी उम्मीद है कि अब करीब करीब वो नॉर्मल स्थिति में पहुंच जाएंगे। क्यों विभिन्न राज्य सरकारें, भले ही वो देश की राजधानी की राज्य सरकार हो, पंजाब की हो, राजस्थान की हो, क्यों विभिन्न राज्य सरकारें कह रही है कि कोयले का संकट है? आप क्या करना क्या चाहते हो कोयले की
इस संकट आपको क्या आपको पता नहीं था कि आपके पास कितना स्टॉक है और कितनी कोयले का कंजम्पशन पर डे भारत में बिजली उत्पादन के लिए होता है? क्योंकि सरकार की प्रॉब्लम क्या है कि सरकार ऑप्टिक्स पे ध्यान देती, सब्सटेंस पे नहीं देती। कि सरकार का बस उद्देश्य ये है कि एक नया नारा बिजली के लिए कैसे दे दूं और अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पे या टीवी न्यूज़ के नीचे फर्स्ट हेडलाइन में या हल्ले बोल कैसे उसके ऊपर हो जाए। बस ये उसका एक 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 ऑब्जेक्टिव है। उसका ऑब्जेक्टिव अभी ये नहीं है कि लोगों को गवर्नेंस कैसे मिले। कोयला खत्म हो रहा है, सरकार में बैठे हुए मंत्री, सरकार में बैठी हुई मशीनरी पता ही नहीं पड़ रहा। आज राज्य सरकारें बता रही, तब आप सामने आके कोई बोल रहा है चार दिन का, कोई बोल रहा है। कोयला मंत्री ने और देश के जो बिजली मंत्री, उन्होंने कहा चार दिन का कोयला। तो क्या चार दिन का बफर जो त्योहारों का सीजन है, नवरात्रों के सीजन में पर्याप्त है? क्यों आप इस तरह की अव्यवस्था करना चाहते हो? क्यों देश को पैनिक मोड में डालना चाहते हो? क्या इसका कारण कोयले के दाम बढ़ा के अपने सूट बूट के दोस्तों को फायदा देना है?